गुरुवार की दोपहर कल्पना सोरेन गिरिडीह परिसदन भवन पहुंची। यहां पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह की मौजूदगी में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात किया और उनकी समस्या को समझा, साथ ही निराकरण के लिए भी आश्वासन दिया। इसके साथ ही आपदा राहत मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना समेत विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों को चेक दिया। वही पत्रकारों से बात करने के दौरान चंपाई सोरेन के मामले पर कल्पना सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चंपाई वरिष्ठ नेता है, उन्होंने मन की बात लिखी है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन उन्हें जो भी बात कहनी थी अगर वो उसे पार्टी के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष से कहते तो अच्छा रहता। देखिए, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में एकदम नई आई हूँ, मेरे से बहुत पहले बड़े पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पहचान ही अपनी अलग है और अभी जो बातें सुनने में आई हैं आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को भी पता चला है, तो क्योंकि वो एक वरिष्ठ नेता हैं और उनके मन की बातें उन्होंने लिखी हैं, इस पर मैं कोई बात